आधारभूत विद्यालय में छु। यो मतदान केन्द्र बनेको पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल को मतदान केन्द्र यही हो। यहाँ हामी आइपुगेको छौ। एक अब वहाँ मतदान आफ्नो मत को सदुपयोग गरेर बाहिर आउँदै हुनुहुन्छ। वहाँ को पर्खाई में छु। वहाँ आएपछि वहाँसँग हामी वहाँ को प्रतिक्रिया लिनेछु। यात्राक्रम में हरेक वार्ड में हरेक नगरपालिका में पुग्नेछ। हामी सक्छ हरेक वार्ड को हरेक नगरपालिका को कभरेज गर्नेछौ। यहाँ स्थानीय नागरिक हुनुहुन्छ, वहाँसँग म प्रतिक्रिया लिनेछु। नमस्ते, के नाम है अपने? किनकर साह। अथी मतदान केन्द्र अपने गौरवार्ड नंबर दू। गौर नंबर वार्ड में क्या अथी पहले बार चुनाव अथी भाग ले पहले भी रही? पहले बेर माधव नेपाल जी के एकीकृत समाजवादी पार्टी के नया पार्टी भेला से हम ओकर दबादार, हम सपोर्टर छी। अच्छा, सपोर्टर थी, मतलब वोट गिरा थी? वोट गिरा दिली अभी। अच्छा, लाइन में भरिए। नमस्ते नमस्ते। नाम सर? प्रमोद साह। मतलब ये मतदान स्थानीय निकाय के दूसरा बार चुनाव हो रहा है कि ओमे पहली बार अपने वोट गिराबे छी कि दूसरे बार? केना केना आई अपने? तीन चार बेर गिरा देले छी। तीन चार बेर गिरा देले छी। हां, और बताओ यहाँ बूथ के व्यवस्थापन के कुछ कमी कमजोरी या कुछ कैसा है? क्या मतलब ठीक है? एकदम ठीक है। हां एकदम ठीक है। तेका घाम ला है तो अभी व्यवस्था होइत है। अभी व्यवस्था होइत है। लाग गेले आ गेले तीन पाल पर घेरला है, अभी घेरतै ओकर बाद ठीक हो जतै। बिना कुछ के बाद नमस्ते। वोट गिरा लेली बाकी बा अभी अभी बाकी बा के तब क्या ना है क्या? मतलब व्यवस्थापन वगैरह के बात करा जाता? ठीक है, हैं ठीक है। पहले वैसे भी माधव नेपाल हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल आउनु हुन्छ, वहाँसँग म प्रतिक्रिया लिने छु हाम्रो चुनाव को सन्दर्भ में। एकैछिन, वहाँ को हामी पर्खाइमा छौँ। अब हाम्रो यहाँ गेटमा मेन गेटमा हाम्रो नेपालको नेपाल प्रहरी म्यादी प्रहरी पनि एकदमै तटस्थ हुनुहुन्छ सुरक्षाको लागि। यो मतदान शान्तिपूर्वक होस् भनेर यहाँ हाम्रो पुरै सम्पूर्ण सुरक्षा निकाय पनि हुनुहुन्छ। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सर कैसा लागल अभी दोबारा इलेक्शन सहभागी भेल? बड़ा बड़ा निमन लागल। सबसे पहले फेर अपन गाँवमे अयली, वोट गिरैली स्थानीय तहके निर्वाचनमे, फेन जे है मताधिकार के प्रयोग कैली, निमन योग्य उम्मीदवार के हम वोट गिरैले छी। कौन पार्टी के वोट देलिए? हमर अपन पार्टी है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, एक समाजवादी कलम छाप वाला पार्टी। लोग सब के याद है कलम छाप कलम छाप कलम छाप। सर यहाँ चुनाव में कोनो संदेश है जनता के लिए तो कुछ विचार? अब जे जनता के ये संदेश है कि निमन पार्टी के वोट गिराओ, निमन पार्टी के वोट गिराओ, निमन उम्मीदवार के जिताओ, और तब जाके अपन गांव के विकास हो सके छै, पालिका के विकास हो सके छै, वार्ड के विकास हो सके छै। निमन पार्टी के जितेबै तो 5 वर्ष तक ले पूरा सुखी जीवन कहो सेवा सुविधा मिलते है। यदि निमन आदमी के न जितेबै तो 5 वर्ष तक ले पूरा जे है परेशान हैरान परेशान, ओकर बाद जे है विकास निर्माण सब खत्म। रोहतहट जिला में कितना अथी पालिका में अपने के उम्मीदवार जीते के संभावना है? हम तो अखन तक ले मूल्यांकन तो न कैले छी, समीक्षा न कैले छी, लेकिन निमन है वातावरण सब जगह में। हम जहाँ जहाँ गेली जनता के उत्साह बहुत निमन है, निमन परिणाम आवे वाला है। क्या कि हम सब तुलना करबे अंतिम चुनाव से या हमर पक्ष में जतेक लोग रहे वही से कतेक गुना बेसी आदमी जे है अखनी आ रहा है वो हम सब मूल्यांकन कर रहा छी। गठबंधनों के स्थिति नीमन है, सबसे बढ़िया हमरा सब के पार्टी के स्थिति है रोहतहट जिला में, एक एक समाजवादी के है कलम छाप के है। धन्यवाद अपने बहुत टाइम अपने अपन टाइम दिल। दर्शक हम पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल संग कुराकानी यो ग्राउंड जीरो को रियलिटी हमारे एट सौभाग्य हो कि पूर्व प्रधानमंत्री संग हमी भेटना पाई रहे कुराकानी करना पाई रहे अंत में हमी आई सकते तभी भन्न कस सर रोहतहट जिलावासी भाँचु रोहतहट जिला को विकास चाहूँ रोहतहट जिला विकास को नमूना जिला बनाउन चाहनुहुन्छ भने इसका प्रत्येक पालिकाहरुमा इसका प्रत्येक वडाहरुमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एक समाजवादी का उम्मीदवारहरुलाई कलम छापका उम्मीदवारहरुलाई अत्यधिक ठूलो संख्यामा मतदान गरेर जिताउने काम गर्नुस्। हामी देशको जिल्लाको काया पलट गर्नका लागि प्रतिबद्ध छौं, तपाईहरुको सेवामा हामी सधैं हाजिर हुनेछौं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकबिन यो ग्राउन्ड जिरोको रियलिटी तपाईलाई कस्तो लाग्यो अवश्य हामीलाई कमेंट और सुझाव करूँगा। तब समय को लगी लव यू स्टे सेफ। जय नेपाल। थैंक यू।